एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने बालों को कैसे आप नेचुरली काला कर सकते हैं। जिनके बाल ऑलरेडी वाइट हो चुके हैं वो भी अपने बाल नेचुरली काले कर सकते हैं, और इस रेमेडी को आप किसी भी एज में यूज़ कर सकते हैं। और रेगुलर इसको अप्लाई करने से आपके जो बाल हैं वो नेचुरली काले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब बॉक्स को प्रेस कर लीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब बॉक्स होगा, उसको प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। ये रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर कोकोनट ऑयल। मैंने लिया है यहाँ पर पैराशूट का कोकोनट ऑयल। आप किसी भी कंपनी का कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, नारियल तेल। उसके बाद यहाँ हमें लेना है कलोंजी। कलोंजी जो कि इस तरह की होती है, ये देखिए काले काले सीड्स होते हैं ये बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है कलोंजी। और बाल काले करने के लिए कलोंजी यूज़ की जाती है। हमें कलौंजी एक चम्मच चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है सरसों के बीज, जो सरसों के ये सीड्स होते हैं दाने, वो लिए हैं, वो भी एक चम्मच। उसके बाद मैंने यहाँ मेथी सीड्स ली हैं, मेथ्रे जिसको बोलते हैं, तो और ये भी एक चम्मच लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है आंवला, रीठा और शिकाकाई पाउडर। तो आप अकेला आंवला पाउडर अगर आपको मिलता है तो वही ले लीजिए। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है जो कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इससे बाल एकदम काले हो जाते हैं अगर आप इसको रेगुलर। यहाँ पर जो कलौंजी, मेथ्रे है, मेथी सीड्स, मेथी दाना, और उसके बाद जो सरसों के दाने लिए हैं, सरसों के सीड्स, उनको तीनों को पीस लेना है अलग अलग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कलौंजी को पीस रही हूँ। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, एक साथ पीसना चाहते हैं तो भी पीस लीजिए, बट इनकी जो शेप और साइज है थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए पीसे भी नहीं जाएंगे, ये अलग अलग ही पीसने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलवट्टे की हेल्प से पीस रही हूँ और ये मैंने कलौंजी को पीस लिया है। तो ये पीसने से इनका जो अंदर इनका जो ऑयल है वो बाहर निकलता है, इसलिए इनको पीसना है। ये देखिए, उसके बाद ये मेथी सीड्स हैं, मेथी दाना है, इसको मैं पीस रही हूँ। और ये मेथी दाना बालों को काले करने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो ऑयल है ये सभी एज के, यहाँ पर टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनके बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको रेगुलर अप्लाई करने से आपके जो बाल है वो सफ़ेद नहीं होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लेना है मैंने एक कढ़ाई। कढ़ाई आप लोहे की लेंगे तो भी बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल कढ़ाई ली है और ये मैंने इसमें डाला है कोकोनट ऑयल। तो नारियल तेल यहाँ पर डाल देना है, जितने आपके बालों में तेल लगता है उतना आप डाल सकते हैं। और ये तेल आप एक महीने के लिए भी बना सकते हैं ज़्यादा ऑयल डालकर, और इसकी क्वांटिटी सभी की ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने जो ऑयल लिया है ये बस वन टाइम यूज़ करने के लिए ही बनाया है। तो ये जो मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, 2-3 स्पून मैंने ऑयल लिया है। साथ में यहाँ पर मैंने एक एक चम्मच जो कलौंजी और मेथी दाना और सरसों दाना जो लिए थे उन दोनों तीनों को पीस दिया था, वो साथ में डाल देना है। और गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है इस टाइम, और लो फ्लेम पर इनको अच्छी तरह पकाना है, मतलब ये एकदम पक जाए वैसे होना चाहिए। तो इनको अच्छी तरह हिलाना है, नीचे नहीं लगने देना चाहिए। तो अभी जस्ट मैं इनको हिला रही हूँ और इस पर फिर मैं ऐड करूँगी जो मैंने आंवला पाउडर और रीठा साथ में लिया। जब ये ऑयल गर्म होने लगा तो इसमें देखिए ऐसी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, और ये एकदम चटकने की ऐसी आवाज़ आएगी। और क्योंकि ये जो दाने हैं इसमें जितने भी, वो उनकी आवाज़ आएगी और ये एकदम मतलब इसमें मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह पक जाएंगे। तो साथ में फिर इसमें मैंने डाला है आंवला, रीठा और शिकाकाई का जो पाउडर है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। तीनों का पाउडर ले सकते हैं आप, तीनों का अच्छा रहेगा। और अगर अलग तो यहाँ पर फिर ये देखिए, ये तीनों का पाउडर अच्छा रहता है। एक स्पून मैंने लिया है, आप अकेला आंवला पाउडर ले सकते हैं, आंवले का पाउडर खुद भी अगर होममेड बनाया हो वो भी ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इसका मैंने एक स्पून पूरा यहाँ पर डाला है, क्योंकि ये जो रेमेडी मैं कर रही हूँ ये वन डे वाली है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए बनाना चाहते हैं ये ऑयल तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। और अभी जस्ट इनको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, और ये एकदम मतलब
कलर देखिए इसका एकदम चेंज हो चुका है। लो फ्लेम पर पकाना है और अभी जस्ट मैंने इसका जो फ्लेम है थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई किया है इस टाइम। और इनको अच्छी तरह अभी थोड़ा सा मिक्स करते हुए थोड़ी देर पकाना है जिससे इसका जो कलर है ये देखिए अभी ब्लैक ब्लैक स्टार्ट हो गया है, काला कलर स्टार्ट हो गया आना। और यही ऑयल रेगुलर लगाने से आपके जो बाल है वो एकदम नेचुरली काले होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको स्टार्टिंग से लगाते हैं, इसका यूज़फुल इफेक्ट मिलेगा। और ये देखिए अभी जस्ट मैंने फ्लेम बंद कर दिया गैस का और इसको ढक दिया है, ये मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है तो अभी ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर आप इसको लोहे की कढ़ाई में यूज़ करेंगे तो इसमें और अच्छा कलर आएगा, लोहे की कढ़ाई में बना हुआ ऑयल और मेहंदी बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए। तो यहाँ पर भी जस्ट मैंने ये इसको एक किसी कांच के बाउल में अपने कंटेनर में रख लीजिए, जहाँ कांच के बाउल में रखिएगा, स्टील या प्लास्टिक का कंटेनर मत यूज़ कीजिएगा। तो अभी जस्ट आप ये नज़दीक से देख लीजिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसको तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं वीक में 3 से 4 times, आप 3 to 4 times इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का बाउल और स्टील का बाउल नहीं लिया है, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ग्लास के ये बाउल लिया है। कंटेनर आप कोई भी ले लीजिए लेकिन ग्लास का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अभी मैं पूनी की हेल्प से इसको छान रही हूँ और इसको छान कर जो ऑयल नीचे निकलेगा उसको आप इसको यूज़ कीजिए रेगुलर, तो आपके जो बाल है वो अब वाइट से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको रेगुलर 1 month 1 महीने लगातार लगाते हैं तो आप उसको बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा है ये देखिए। और ये जो ऊपर वाला मैंने छान के निकाला है इसको आप एज अ हेयर मास्क भी लगा सकते हैं हेयर पैक की जगह, तो आप इसको भी अपने स्कैल्प के ऊपर अच्छी तरह ऐसे रब कर सकते हैं, तो ये भी बेस्ट रहेगा अगर आप इसको नहीं फेंकना चाहते। तो ये जो ऑयल है इसको अपने स्कैल्प के ऊपर अच्छी तरह फिंगर्स की हेल्प से 15 minutes तक मसाज करनी है, रात को आप लगा लीजिए 15 minutes तक मसाज कीजिए और सुबह वॉश कर लीजिए इसको। ये तेल बहुत ही रामबाण है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप इसको ग्रे हेयर्स को अपने ब्लैक हेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इसको रेगुलर अप्लाई करेंगे। और इसको छोटी एज में जैसे टीनेजर्स है कि उनके वाइट हेयर हो गए हैं तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके बाल नहीं भी वाइट हुए हैं ब्लैक है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके बाल वाइट कभी भी नहीं होंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार तो आपको बेस्ट रिजल्ट। तो ये थी आज की रेमेडी, होप आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और ये रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको मतलब वीक में आप इसको लगा सकते हैं, इसको रेगुलर अप्लाई करके देखिए और आपके बाल नेचुरली काले होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल ऑयल है तो नेचुरली अपने बालों को आप काला कर सकते हैं ऑयल के थ्रू, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।